गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं कमल पालीवाल। हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन के बारे में। आज हम बात करेंगे पुनः पीएच स्केल के बारे में और पीएच स्केल के दैनिक जीवन में महत्व के बारे में। कल हमने पढ़ा था पीएच स्केल क्या होती है, पीएच शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है और पीएच स्केल के अंदर अम्लता, क्षारीयता या उदासीनता का गुण किस प्रकार आता है। और हमने बात की थी किसी भी विलयन की प्रकृति को हम किस प्रकार माप सकते हैं कि वह विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। आज हम पढ़ेंगे भी पीएच स्केल है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, या फिर यूं कहें कि पीएच स्केल हमारे जीवन में कहां कहां काम आती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम पीएच स्केल में पेट में अति अम्लता का पता लगाने में। हमारे आमाशय के अंदर जो पाचक रस है, जिसे हम जठर रस भी कहते हैं, या फिर यूं कहें कि HCl जो अम्ल पाया जाता है, जब यह अम्ल हमारे आमाशय के अंदर अधिक हो जाता है या फिर इसकी जो सांद्रता है या मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे पेट के अंदर जलन महसूस होती है। उस जलन को कम करने के लिए हम उस अम्ल की पीएच को पता करते हैं तथा उसके सापेक्ष या फिर जो पीएच है जिससे अम्लता ज़्यादा हुई है उसके सामने वैसे के वैसे सार के पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे ये अम्ल है वो उदासीन बन जाता है। इस प्रकार पीएच स्केल का उपयोग पेट में अति अम्लता का पता लगाने में या फिर अति अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अब बात आती है कि इस अति अम्लता के लिए कौन कौन से क्षारकीय लवणों या फिर क्षारकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अति अम्लता को दूर करने के लिए सबसे पहले MgOH2, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो पेट में अति अम्लता का पता लगाने में या अति अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकीय पदार्थ या क्षारकीय लवण का उपयोग किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यह क्षारकीय लवण इस HCl या फिर जठर रस से क्रिया करके हमारे पेट को उदासीन कर देता है, हमारे आमाशय के अंदर इस अम्ल को उदासीन कर देता है, या फिर यूँ कहें इस अम्ल की जो प्रकृति है वह उदासीन हो जाती है, जिससे हमारे पेट में जलन है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार दूसरी बात है दंतक्षय। जब हम कोई स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो हमारे दांतों का जो इनेमल है, जिन्हें हम मसूड़े भी कहते हैं, हमारे दांतों का जो इनेमल है या मसूड़े है वो ख़राब हो जाते हैं या फिर इनकी प्रकृति है वो अधिक अम्लीय हो जाती है। इस इनेमल को पुनः सही करने के लिए हम अच्छे पीएच वाला या फिर क्षारकीय पीएच वाला टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं जिससे दंतक्षय है वो दूर हो जाता है जिससे
जिससे दंतक्षय दूर हो जाता है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं, दंत क्षय है इसमें जब हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो हमारा जो इनेमल है वो ख़राब हो जाता है, मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो उस अम्ल के कारण जिससे हमारा इनेमल ख़राब हुआ है उसमें हम क्षारकीय पीएच वाला टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे ये क्षार और दांतों का जो इनेमल है वह आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और हमारे जो दंत क्षय की जो शिकायत है वह दूर हो जाती है। अब ये इनेमल किससे बने होते हैं? जो दांतों में इनेमल होते हैं या फिर यूं कहें जो दांत होते हैं वो CaSO4 जिसे कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है, उससे बने होते हैं। हमारे दांत है या फिर यूं के जो इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, जिन्हें हम CaPO4 कहते हैं, CaPO4 कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। तीसरा इसका उपयोग है वो होता है चींटी के डंक में। हम जानते हैं कि प्रत्येक चींटी या डंक के रूप में एक अम्ल स्रावित करती है जिससे हमें जलन अनुभव होती है। उस अम्ल को या फिर उस जलन को दूर करने के लिए हम उस पर क्षारकीय लवण का प्रयोग करते हैं, जिससे जो वह डंक है या वो जलन है वो कम हो जाती है। तो चींटी के डंक एक अम्ल स्रावित करते हैं, स्रावित करते हैं जिससे जलन अनुभव होती है। इस जलन को दूर करने हेतु क्षारकीय लवणों का प्रयोग करते हैं। अब कौन सा क्षारकीय लवण है? जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे NaHCO3 कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे NaHCO3 कहा जाता है, इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। तो जो चींटी है उसे एक अम्ल स्रावित होता है जिससे हमें जलन अनुभव होती है। इस जलन को दूर करने हेतु हम क्षारकीय लवण का प्रयोग करते हैं, जैसे NaHCO3 खाने का सोडा, यह लगाने से ये जलन है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार मृदा की पीएच, भूमि की जो पीएच है वह जब अम्लीय हो जाती है उस अम्लीय प्रकृति को पुनः उदासीन बनाने हेतु भी हम कुछ विशेष प्रकार के क्षारकीय या फिर कुछ ऐसे लवण खादों का या उर्वरक का प्रयोग करते हैं जिससे मृदा की जो पीएच है पुनः उदासीन हो जाती है। जब मृदा की पीएच मान अति अम्लीय या अम्लीय हो जाता है तो इसे पुनः उदासीन बनाने हेतु क्षारकीय उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जिससे मृदा पुनः उदासीन हो जाती है, इसी प्रकार पांचवा पॉइंट है अम्लीय वर्षा। जब अम्लीय वर्षा ज़्यादा होती है जो मृदा है वह और अम्लीय ज़्यादा हो जाती है
और अम्लीय वर्षा के साथ साथ कई प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं वह भी भूमि में मिल जाते हैं। इससे भूमि है वो अम्लीय होने के साथ साथ प्रदूषक और बंजर होने का भी खतरा रहता है। इस प्रकार इस अम्लीय वर्षा तथा उन प्रदूषकों को दूर करने के लिए हम विशेष प्रकार के क्षारकीय लवणों या क्षारकीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा भी नियंत्रित हो जाती है और मृदा भी उदासीन हो जाती है और विशेष प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं वो भी नियंत्रित हो जाते हैं। अब देखिए अम्लीय वर्षा होती क्या है। जब वर्षा के साथ साथ कुछ प्रदूषक तत्व भूमि पर आ जाते हैं, जैसे CO2 गैसें, सल्फर या SO2 आदि, इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने हेतु क्षारकीय लवणों का प्रयोग होता है। जिससे पुनः भूमि उदासीन हो जाती है तथा सभी प्रदूषक नियंत्रित हो जाते हैं। तो देखिए एक बार पुनः pH स्केल का दैनिक जीवन में महत्व, पेट में अति अम्लता का पता लगाने में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो जठर रस होता है, जिन्हें पाचक रस भी कहा जाता है, वह अम्ल जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के साथ साथ जो भी जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, उन जीवाणुओं को या फिर उन जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए अम्ल हमारे शरीर में कार्य करता है। दूसरी बात, जब इस अम्ल की मात्रा है हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो इसे हम अति अम्लता कहते हैं। इस अति अम्लता को दूर करने के लिए एंटीसिड के रूप में, या फिर यूँ कहें कि क्षारकीय या उदासीन बनाने हेतु एक विशेष प्रकार के क्षारकीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। वह क्षारकीय पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसका केमिकल कंपोजिशन MgOH2 होता है। इसी प्रकार जब हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं या अधिक मिठाइयाँ खाते हैं तो हमारे जो दांत है, या फिर यूँ कहें दांतों का जो इनेमल है, जिन्हें मसूड़े भी कहा जाता है, ये मसूड़े खराब हो जाते हैं। इन पर अम्लता की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है तो ये दांत सड़ने लग जाते हैं, इनके अंदर कीटाणु आ जाते हैं। इस इनेमल को सही करने के लिए या फिर हमारे दांतों को कीटाणुओं से रक्षा करने के लिए हम अच्छे क्षारकीय पीएच वाला एक टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। और वह टूथपेस्ट क्या करता है कि यह क्षार और इस अम्ल से क्रिया करके हमारे इनेमल को उदासीन बना देता है, जिससे जो दंत क्षय की घटना है वो कम हो जाती है। तो ये जो इनेमल है जिसमें दांत चिपके हुए रहते हैं, यह और ये जो दांत है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसका केमिकल कंपोजिशन CaPO4 होता है। इसी प्रकार जो चींटी का डंक है, जो हमने पहले पढ़ा था, जिसके अंदर मेथेनोइक एसिड होता है चींटी के डंक के अंदर, तो ये जो डंक है एक विशेष प्रकार का एसिड या अम्ल है स्रावित करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जलन अनुभव होती है।
अब इस जलन को दूर करने के लिए हम विशेष प्रकार का क्षारकीय लवण जैसे NaHCO3 है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर खाने का सोडा कहा जाता है, यह लगाया जाता है, जिससे यह जो क्षारकीय लवण और वह अम्ल क्रिया करके उस जगह को उदासीन बना देता है और इस प्रकार हमारी वो जो जलन है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार जो मृदा की पीएच है, जब मृदा की पीएच का मान बढ़ जाता है अर्थात मृदा है वो अम्लीय हो जाती है, तो उन्हें पुनः उदासीन बनाने के लिए क्षारकीय उर्वरकों का जैसे अमोनियम नाइट्रेट वगैरह है उनका प्रयोग किया जाता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह है, इनका प्रयोग करने से मृदा की जो पीएच क्षमता है वह पुनः उदासीन हो जाती है। इसी प्रकार अम्लीय वर्षा क्या होती है, देखिए सबसे पहले जब वर्षा के साथ साथ विशेष प्रकार के जो रसायन है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैसें हैं या फिर मीथेन है या CFC के जो घटक होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये सब गैसें जब भूमि पर गिरती है तो मृदा की पीएच है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इससे मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो भी घट जाती है या मृदा खराब हो जाती है। इस अम्लता को कम करने हेतु हम विशेष प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ये उर्वरक होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। जब ये उर्वरक इस अम्ल के साथ क्रिया करके उस मिट्टी को उदासीन बना देते हैं तो वह मिट्टी है वह पुनः प्रदूषक नियंत्रित मिट्टी कहलाती है। इस प्रकार अम्लीय वर्षा में भी जो पीएच का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हमने पढ़ा पीएच के दैनिक जीवन में महत्व के बारे में। धन्यवाद।